का आयोजन जम्मू के लोगों को और देश में जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्रवादी जो लोग हैं, उन्हें मुबारकबाद देने के लिए किया गया है। एकजुट जम्मू की विंडिकेशन हुई है जब से प्रधानमंत्री ने कठुआ में आके, अखनूर में आके टोटल पॉलिसी रिवर्सल किया है जम्मू कश्मीर को लेके। एकजुट जम्मू पिछले एक वर्ष से जिन इश्यूज़ को पॉइंट आउट कर रहा था और जिन इश्यूज़ की जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था, बहुत हर्ष की बात है कि भारत की राजसत्ता ने और प्रधानमंत्री ने उन इश्यूज़ को उसी तरीके से, उसी पर्सपेक्टिव में अडॉप्ट किया है। बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 35 और 370 को ख़त्म करने की बात की है और एक्सप्लेनेशन ये दी है कि आर्टिकल 35 और 370 सेसेशनिज्म को प्रमोट करता है। हम शुरू से ही ये कह रहे थे कि आर्टिकल 35 और 370 सेसेशनिज्म को प्रमोट करता है, लेकिन कोई भी उसे दिल्ली में मानने के लिए तैयार नहीं था। ये मेजर शिफ्ट जो हुई है, पॉलिसी शिफ्ट जो हुई है, सस्टेन्ड एफर्ट जम्मू के लोगों के द्वारा, एकजुट जम्मू के माध्यम से और जम्मू के और विभिन्न संगठनों के द्वारा, उसका हम वेलकम करते हैं। प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं कि आप अपने इन वायदों पे अब खरा उतरिए, आप प्रधानमंत्री बनिए और बनते ही तत्काल प्रभाव से आर्टिकल 35 और 370 को खत्म करिए। हमें बहुत खुशी है ये जान के कि पूरे स्टेट अपरेटस में ये चेंज आई है। केवल प्रधानमंत्री नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के ब्लॉग्स भी आप देखिए, वो भी क्लियरली ये कहते हैं कि इंडियन नेशन और भारतीय लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने वाला आर्टिकल है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है इंडियन सिटीजन्स के खिलाफ, इसीलिए ये खत्म होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जेटली साहब ने ये कहा कि ये डेमोक्रेसी की सबवर्जन है, जिसे हमने शुरू से एक साल से यही बनाने की कोशिश की। और प्रधानमंत्री ने कहा कि नैरेटिव चेंज होने की ज़रूरत है, दो ढाई डिस्ट्रिक्ट के जो कश्मीर के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो दो ढाई डिस्ट्रिक्ट में, उसे आप पूरे J&K की प्रॉब्लम ना बनाइए। देखिए, ये 70 सालों में कभी नहीं हुआ, पहली बार प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बातें कही हैं। जम्मू को मजबूत करने की दिशा में ये कदम है और हम ये निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री अभी अपनी बातों पर खरा उतरें और इन्हें इम्प्लीमेंट करें। हम वेलकम करते हैं, लेकिन हम संतुष्ट तब होंगे, जम्मू के लोग, देश के लोग संतुष्ट तब होंगे जब आप इन वायदों को क्रियान्वित करेंगे, आर्टिकल 35 370 को ख़त्म करेंगे। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनों को, क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी राइट्स देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो 2 साल केस हमने लड़ा, अंकुर शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 12 मार्च 2018 को जजमेंट हुई, जिसके बाद मार्ग प्रशस्त हुआ यहाँ पे हिंदुओं को, सिखों को, बौद्धों को, जैनों को, क्रिश्चियंस को माइनॉरिटी स्टेटस मिलने का, उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करें, यहाँ पे उनको स्टेटस दें। और यहाँ पे आर्टिकल 35 और 370 की मदद से जो एक नॉन सेक्युलर और थियोक्रेटिक स्टेट अपरेटस क्रिएट किया गया है, उसे ध्वस्त करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जम्मू